स्क्रिप्ट हमेशा चाहिए होती है, वो चाहे आज का ज़माना हो चाहे वो पिछला ज़माना हो। तो स्क्रिप्ट ड्रिवन सब्जेक्ट तो हमेशा चाहिए होते हैं, और आज की तारीख में तो बहुत अच्छी स्क्रिप्ट्स आ रही हैं। पर जहाँ तक मेरा मानना है, कुछ अपनी चीज़ें मेरी हैं जिनको मैंने अभी संभाल के रखा हुआ है, कोशिश कर रहा हूँ कि वो सिनेमा में तब्दील हों। तो वक्त आएगा तो मैं लिखूँगा भी। मेरे को जब सबसे पहले वेब सीरीज़ करने का कॉल आया तो मैंने छूटते उनसे बोला कि जब मैं टीवी नहीं कर रहा हूँ तो वेब सीरीज़ क्यों करूँ। डिजिटल प्लेटफॉर्म एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि जिसमें बहुत सक्सेसफुल हो रही हैं चीज़ें, और जो भी वेब सीरीज़ के जो सब्जेक्ट्स हैं वो बिल्कुल फैमिलियर बनते हैं। तो प्लीज़ आप एक बार करके तो देखिए। तो मैंने किया, और फिर करने के बाद फादर्स का मैंने पहला एपिसोड किया था, तो तब जाके एहसास हुआ कि हाँ वाकई ये एक बहुत ही अलग चीज़ है और ये एक अलग ही माध्यम है और इसकी बहुत रेंज है। वेब सीरीज़ में काम करने का मतलब है कि आप कम से कम ऐसा किरदार करो जिसके लिए आप इंतज़ार कर रहे हो। अभी मैंने जैसे आम आदमी फैमिली की या फादर्स किया, तो इनमें वन ऑफ द मैं एक मेन लीडिंग करेक्टर कर रहा हूँ। तो मैं चाहूँगा कि मतलब कि वेब सीरीज़ भी मैं ऐसी वाली करूँ जिसमें कम से कम लीड या उसके आसपास कोई किरदार इस तरह का हो जो कि मतलब करने में मज़ा आए। क्या होता है ना कि अभी जो मिल रहा है इनफ है, आगे जो और अच्छा मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक मतलब सेटिस्फैक्शन तो आपको कभी भी नहीं होता। विद्या पाने की कोई उम्र नहीं होती, आप किसी भी वक्त किसी भी उम्र में किसी भी एज में विद्या ग्रहण कर सकते हैं। ऐसे ही ये एक्टिंग का ऐसा वाला फील्ड है कि आपको इंतज़ार रहता है हर साल बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ कि शायद इस बार ऐसा कुछ होगा, शायद इस बार ऐसा कुछ होगा। तो वो इंतज़ार एक बना रहता है, और मुझे लगता है कि ये बना रहना चाहिए, ये जो प्यास है ये लगती रहनी चाहिए। ये अच्छी बात है कि कम से कम जो चीज़ें नई नई आ रही हैं, जो नया टैलेंट आ रहा है, तो यही एक तरीका है कि जिससे हम इस चीज़ को और फैला सकते हैं, लोगों तक बता सकते हैं, उनको समझा सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, और मैं मतलब इस बात के लिए आप लोगों को बधाई देता हूँ कि ये धीरे धीरे और भी आगे बढ़ता जाए, और बेस्ट विशेज़ हैं आप सब लोगों के लिए।